जिनको आना होगा वो ज्वाइन करते रहेंगे, लेकिन वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिन्होंने पहले ज्वाइन किया उनके क्वेश्चंस मैं ले लूंगी। एक ही कंडीशन रहेगी, स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम, जय गुरु जी। माई सेल्फ दीप्ति गुप्ता, मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, और भी बहुत मोडालिटी में बहुत कुछ सीखा हुआ है। यूनिवर्स की रहमत है, बहुत कुछ सीखा है, और कोशिश रहती है कि हर चीज पेड सेशन ना लेके फ्री सेशन अगर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो इस तरह के बहुत सारे फ्री वेबिनार्स हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और आप आगे भी इस तरह से हमारी फैमिली के साथ जुड़कर, सोल प्योर की फैमिली के साथ कनेक्ट होके आप वो फ्री वीडियोस या फ्री एजुकेशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ पेड सेशन भी रहते हैं जो हमारे प्रोफेशनल्स के साथ रिलेटेड होते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है। टाइमली हमारे ग्रुप में हर चीज की अपडेशन रहती है। आज जो हमारा सेशन है वो फ्री टैरो रीडिंग का क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है। क्वेश्चन आपका होगा, जवाब मेरे होंगे, और मेरे नहीं होंगे, मैं टैरो रीडिंग के थ्रू आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई दूंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो वो चीज समझ लीजिए कि हमें कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं और हमें कैसे आंसर दो। सबसे पहले आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी जब तक कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होगी आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। सेकेंड चीज, आपको जिसके बारे में भी पूछना है, अगर आप अपने बारे में पूछ रहे हैं तो आपको अपना नाम और अपना DOB साथ में बताना होगा। क्वेश्चन कोई एक पूछेंगे, ये नहीं आप मल्टी क्वेश्चंस पूछ लें, पर्टिकुलरली कोई भी एक क्वेश्चन आप फिर से पूछ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हम सेशन स्टार्ट करें। किसी को कुछ पूछना है यहाँ से, कैमरा ऑन नहीं होगा मैं क्वेश्चन नहीं लूंगी, कैमरा ऑन होगा तभी मैं क्वेश्चन लूंगी। तो इट्स योर चॉइस कि आपको अपनी एनर्जीज को यहां तक पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना। आई होप सो कि सबका, मेघा ने सबसे पहले हैंड रेज कर लिया। अभी भी बहुत लोगों के कैमराज ऑन नहीं है, अभी भी बहुत लोगों के कैमराज ऑन नहीं है। सेशन में तो मैं भी पूछ लूंगा। बोलिए, हेलो मैम। सुनाई क्यों दे रहा है? अनुभव क्वेश्चन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मेघा आपसे स्टार्ट कर लेते मेघा, अपना नाम बोलो, DOB बोलो। हेलो नहीं आवाज नहीं आ रही मेघा मुझे। 19 फरवरी 1981 मैम, नाम बोलो अपना पूरा। मेगा पटन शक्ति। क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है अभी, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्या?
यस मैम। नहीं ले पा रही किसी चीज को लेके, कुछ कंफ्यूजन चल रही है। क्या हाँ मैम। पूछो, क्वेश्चन पूछो अपना। यही टैरो रीडिंग का काम करूं नहीं करूं सोच रही हूँ मैम। हेलो हेलो आप शुरू कर सकते हो। आपने खुद टैरो रीडिंग की हुई है, दोनों कार्ड्स जो आए हैं आपके प्रश्न को लेके, ये दोनों कार्ड है। कार्ड मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि आपको रीडिंग करनी आती है, इसलिए मैंने आपको कार्ड शो कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड ये वाला कार्ड है कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्यूट आप कार्ड की रीडिंग कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा आपको, तो उसके लिए आप अपनी केयर का, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। इतना इजी नहीं रहेगी चीजें, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हो, सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली आपको मिलेगी, पर थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। यस एब्सोल्युटली, कार्ड के अकॉर्डिंग आप काम शुरू कर सकते एज ए प्रोफेशनल। ठीक है, तो अपने आप पे थोड़ा सा काम करो, ऑल द बेस्ट। और कंफ्यूजन लेने की इतनी जरूरत नहीं होती, कार्ड से पूछा करो। हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये तो छुट्टी हेल्थ। मिलेगी, बाकी सब भी तो हैं। एक एक क्वेश्चन ले। ठीक ओके है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आभा जी, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक आपकी। आभा जी, आपने आज सेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है? जय नहीं नहीं मैम, जय गुरु जी। गुरु जी। नहीं मैंने फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम ज्वाइन किया है। मुझे किसी ने ये लिंक शेयर की थी, आज मैंने कई लोगों को ये लिंक शेयर भी की है, और सेकंड थैंक यू। टाइम मैंने ज्वाइन किया। और एक दिन आपका वो मॉर्निंग में जो आता है चक्रास वाला, वो भी ज्वाइन किया था एक दिन, काफी अच्छा लगा। लेकिन रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मेरी आ अभी रही तो हम रेगुलर नहीं हो पा रहे। अभी तो अभी हम लोग नहीं रेगुलर हो पा रहे। है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13th of July 76। अपना नाम बोलिए पूरा। आभा सिंह। हाँ जी, एनर्जीज तो आपकी बहुत अच्छी है, वाइब्स बहुत अच्छी है, कार्ड्स भी बहुत अच्छा निकला है। अब कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन तो पूछिए। यही है कि एक तो बच्चों का कैरियर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, और थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटस या मेरे लिए क्या अचीवमेंट होगा, क्या मैं किसी गोल में सक्सेस हासिल कर पाऊंगी, क्योंकि चीजें आते आते मेरे पास और एकदम से हट जाती हैं। एकदम मतलब समझ लीजिए कि खाने का कौर आ रहा है और उसके बाद कोई हटा दे रहा है मेरे आगे से, इस आप तरह की कोई सिचुएशन। कोई एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, मतलब अगर आप अपने बारे में, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, आप अपनी तरफ से किसी एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। आप कोई अभी प्रोफेशनली कुछ कर रहे हो? नहीं मैं प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे सामने कई सारी जॉब आई, गवर्नमेंट जॉब भी आई, लेकिन मुझे एंड द टाइम पे, मेन टाइम पे मिली नहीं। अभी कुछ ट्राई कर रहे हो आप? कुछ ट्राई नहीं, अभी मैं होम सेफ हूँ तो कुकिंग वाली फील्ड में थोड़ा थोड़ा कुछ करती रहती हूँ। देखिए, आपकी एनर्जी का जो कार्ड मेरे पास है, अभी जो मेरे पास कार्ड निकला है, आप कोई भी चीज को अगर टीम के साथ करोगे ना, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअली कोई काम करने की सोचोगे तो नहीं होगा। टीम मतलब कैसे कि आपको, आप अकेले इंडिविजुअल इतनी अच्छी सक्सेस नहीं पा सकते। आप अगर कुछ भी इन फ्यूचर ट्राई करना चाहते हो, मुझे नहीं पता आपकी बेसिक फील्ड क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, ये जो भी कुछ है वो आपको पता होगा, लेकिन कार्ड की एनर्जीज ये बोल रही है कि आपको अगर सक्सेस मिलेगी
तो आपको अपने साथ किसी के, मतलब किसी के साथ कोलेबरेट करके या एक दो लोगों के साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करके आपको सक्सेस मिलती जी है। तो बिल्कुल। इस तरह की अगर कोई प्लानिंग आप कर सकते हो तो सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपके पास आते आते कोई चीज रह जाती है, ठीक है, तो पहली बात तो आभा उसके लिए सबसे पहले आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पहले तो अब देखो एक शायद कुछ गैप हो चुका है अभी तक, तो पहले तो आप डिसाइड करो आपको करना क्या है, जी ठीक है, और उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू करो। ठीक है, नो नंबर है, कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा, नो डाउट, आप कभी भी अपने आप में फेलियर कभी फील करने वालों में से नहीं है, आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, आप खुद चाहो तो डू एवरीथिंग, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, दैट द मेन सेंटेंस फॉर यू। तो आप सिर्फ अपने आप पर अगर जिस दिन सोच लोगे उस दिन कर लोगे। काम ऐसा करना है जिसमें दो तीन लोगों का मिलके कोई काम होगा तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, किसी ने बाकी मुझे आपकी ही फील्ड के लिए बोला कि आपका जो आपकी जो वाइब्स आ रही है वो अगर हमारी फील्ड से जुड़ जाओ तो काफी अच्छा रहेगा। कर सकते हो, नो नंबर है तो कर सकते हो, वैसे मैंने अभी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सुना ही था आपका, मैं तो जस्ट एनर्जी ही कनेक्ट कर रही थी, पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठहराव होना चाहिए। इस किसी भी फील्ड में जाओ आप ठहरो, ये नहीं कि टेम्परेरी आए और हाँ चले जी गए, टाइम देना जी पड़ता है हर चीज। थैंक ओके थैंक यू यू सो सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्लीज हैंड डाउन करते जाइएगा जिनका भी क्वेश्चन होता जा रहा है। शालिनी कैसे हो? शालिनी राधे राधे मैम। जय आधे गुरु बात जी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, सो नाइस टू सी यू। मीट यू। मैम मैं अब मेरी मतलब मैं अपने लिए पूछ सकती हूँ या हस्बैंड के लिए भी पूछ सकती हूँ मैम? इट्स योर चॉइस। अच्छा मैम, तो हस्बैंड के लिए पूछ रही हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ इज आपको पता वैसे तो 17 अगस्त 1972। 1972 नाम हाँ जी। बोलिए उनका पूरा। उनका नाम है नवीन गुप्ता। अच्छा, मैम क्वेश्चन है कि वो अभी किसी कुछ काम के पीछे लगे हुए हैं करने के लिए, तो मतलब वो हो जाएगा या इज इट गुड फॉर हिम, उसमें परस्यू करना चाहिए इस टाइप, वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, काम तो हो जाना चाहिए, चलना चाहिए। उनका कार्ड की एनर्जीज भी अच्छी आई है, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए उनके अंदर। एक ही वार्निंग है उनके लिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ भी ना करें, जैसे होता है ना बंदे को लगता है ओवर हाँ, एंथुजियास्ट ना हो मतलब। ओवर कोई भी चीज नहीं करेंगे तो चीजें सही रहेंगी और ओके पैसे भी आएंगे, पैसे ओके मैम, आने के भी हैं और ये काम कर सकते हैं फिर कर हम। सकते हैं। और काम कोई ऐसा है क्या जिसमें बाहर जाना आना का कुछ ऐसा कुछ है क्या? बाहर इन द मतलब आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया? नो मैम वो नहीं है, ये तो कॉन्टैक्ट वाला मैम, इंश्योरेंसेस वाला है ये अभी तो मैम, ट्रैवलिंग है क्या ऐसी? अभी फिलहाल तो नहीं है, होंगी ट्रैवलिंग, तो जाना चाहिए। आई एम गेटिंग
से ज्यादा परेशान चल रहे हो, क्या चल रहा है इस वक्त? बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन लेके बैठे हुए हो, इतना परेशान मत हो, चीजें सही हो जाएंगी ये साल के अंदर। बस इतना ध्यान रखना, आपके लिए एक ही मतलब वो है, मतलब जिसको हम कहें गाइडेंस जो है वो यही है कि जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन नहीं, ठीक है? और अपने डिसीजन खुद लेने, ठीक ओके मैम है मैम, वो जी? कॉन्फिडेंस शायद नहीं आ पाता वो लेने का ना, लगता है कि मे बी आई माइट गो रॉन्ग. किसी के प्रेशर में आके कोई डिसीजन, अच्छा ठीक है मैम, ठीक है? ठीक है. प्रेशर इन द सेंस कि किसी दूसरे के कहने पे सोचो समझो चीजों को, चीजें सही लगे तो करो आप। ऐसा नहीं कि घर में किसी के भी बहर, मतलब कहते हैं ना ओवर इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस. होके नहीं बैठना, ठीक अच्छा ठीक है मैम, है? बुद्धि का इस्तेमाल करना है, यू हैव मैम मेडिटेशन समझ में आप। आई. मतलब ना हस्बैंड के ऊपर ज्यादा बात माननी है, ना बेटे की माननी है, अपना दिमाग चलाना अपना दिमाग चलाना है और इतनी जो कंफ्यूजन चलेगा मैम वो ठीक चलेगा अपना दिमाग, ठीक मतलब चलेगा, एक सोच विचार के, और मतलब किसी भी चीज को लेके ना वही ओवर चीजें नहीं करनी, सोच समझ के आगे डिसीजन लेने हैं। अभी फिलहाल अभी प्रेजेंट की एनर्जीज बहुत डाउन है, उसके लिए आप अपने ऊपर कुछ काम करो। ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे 7 ट्यूसडे अपने ऊपर से लौंग का जोड़ा उतारो और उसे कपूर की 2 टिक्की लेके उसमें जला दो, और ओके मैम, रेगुलर इसको 7 ट्यूसडे करना है, एनी टाइम ट्यूसडे पे. ओके इवनिंग 7:30 बजे जब दोनों टाइम मिलते हैं, ठीक है? हेलो मैम, ट्यूसडे एनी टाइम आपको भी पॉज होगी मैम फिर से. ट्यूसडे 7:30 एनी टाइम इवनिंग शाम आखिरी टाइम पे, 7 से 7:30 के बीच। जोड़े, मतलब 18 लॉन्ग है ना साबुत वाली. हाँ, मतलब एक ट्यूसडे को 2 लौंग का जोड़ा लेना है और 2 कपूर लेना। अच्छा, पर ट्यूसडे 1 लौंग का जोड़ा और 2 कपूर के वो गिरे टिक्के, और शाम को जाए उस अपने ऊपर से भी लेना है मैम, वो अपने बस ऊपर से जलाना है घर में 7 टाइम्स। अप. ओके मैम, थैंक यू मैम, लव यू मैम. हैंड डाउन करते जाइएगा, यस वंदना मैम, अग्रवाल जी का कैमरा ऑन नहीं है, मैं नहीं लूंगी। एंड अब है मिथुन, मिथुन जी हेलो मैम, नमस्ते मैम. आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आज? नहीं मैम, मैं ये आपका वो मैम वास्तु, मोबाइल वास्तु में था मैम. कैसा लगा मोबाइल वास्तु, कुछ किया उससे रिलेटेड? उसमें मैम शुरू किया है मैंने, हो रहा है उसमें भी. चलिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा और अपना नाम पूरा बोलिए। ओके मैम, 19 दिसंबर 1997, पूरा नाम बोलिए अपना। अच्छा, मनोज कुमार होता. आपका मैसेज भी आया हुआ। हाँ फ्रेंड, ऐसा जॉब लाइफ में भी चल रहा है कि सिर्फ नहीं ले पा रहा हूँ बोल के बहुत सारे चीज क्विट हो रहा है. हाँ, तो आपके तो पता नहीं, मैंने तो कार्ड ही देखा। नॉलेज बहुत है, ओके हर चीज आती है, सब कुछ समझ में है, अपने आप में सक्षम हो, लेकिन कब अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले सकते, दूसरे आते हैं आपसे ज्ञान लेते हैं और चले जाते वही हो रहा है. यही हैं। क्वेश्चन पूछिए। मैम जॉब लाइफ में ही बारे में पूछ रहा हूँ. जॉब का अभी ऐसा हो गया है, ऐसा अपॉर्चुनिटी 3 बार मिला है मेरे को, बट मेरे कॉलिग्स या सीनियर्स जो मैनेजर से जो है वो ऐसा दबा के रख ही रहे, आगे नहीं छोड़ रहे, ये नहीं हो रहा है. मैं सोच रहा हूँ जॉब क्विट कर दूँ, तो ये वो ठीक टाइम है क्या मैम, वही जानना आप चाहता ये हूँ. पूछना चाहते हैं नाउ इट्स द राइट टाइम टू यू, कि आपको हाँ, जॉब करनी चाहिए? जॉब क्विट करने का राइट टाइम चाहिए. देखिए, अभी ना ये रिस्क लेने वाली बात होती है। आप थोड़ा सा टाइम दो और पहले अपने लिए कुछ मतलब सर्च कर लो, हाथ में कुछ हो तो आप लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए सक्सेस आपको मिल जाएगी अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं,
या कहीं सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर हो रही है चीजें, पर ना ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। वो क्या कहते हैं, शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात होती है। थोड़ा ठीक है, और थोड़ा ये करेंगे। सा अपने आप को सिक्योर उसमें ले आओ, कहीं से कोई पोज जॉब हो गया कुछ। हमें। ऐसा क्यों हो रहा है, नेट के तो पूरे सिग्नल है। मैम वीडियो पोज हो गया था। अभी आ रहा है? हाँ मैम अभी आया। आप कहीं पर पहले सर्च कर ली थी कि ओके मैम। हाथ में आपके कुछ मिल जाए, मिल जाएगी जॉब। थोड़ा सा डेलिकेटेड अपनी नॉलेज का यूज करो, स्टेप लेने शुरू करो, आगे बढ़ो, मिल जाएगी जॉब, ये कंफर्म है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेंगी चीजें, पर जॉब छोड़ना अभी के लिए ठीक है? ठीक है, थैंक ठीक है, बिल्कुल यू मैम। ऐसा हो जाएगा शेर के मुंह में हाथ देने के बराबर। अरे ठीक, इतना बड़ा रिस्क लेना क्यों है ना? हाँ मैम ठीक, नंबर पे थैंक यू काम मैम। करो अपने मोबाइल के, थोड़ी सी अपने ऊपर काम करो, चीजें सही हो जाएंगी। मैम अच्छे से बता जी, मेरा प्यारा भाई है वो। अरे 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 देखो, मैं पार्शियलिटी कभी नहीं करती। मेरे लिए ठीक हर कोई जो यहाँ आया वेबिनार में, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना आपको लगा होगा पिंकी कि मैंने कुछ छोड़ा अपनी तरफ से, नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं तो मैम नहीं बुलाती उसको, मुझे पता है आप सबके साथ सेम करते हैं। ऑल द इसके बेस्ट। अंदर बहुत है, मेरे भाई बहन बहुत है मैम, नाम नहीं लूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो ठीक है मच। मैम, राइट, ओके थैंक यू। एंड डाउन कर लीजिएगा। पिंकी आपको भी क्वेश्चन पूछना है? यस मैम, आपका इसमें वीडियो मुक्त है। नहीं आया, देखो किसी और का आ गया शायद। ये है निखिल गर्ग। यूनिवर्स चाहता निखिल जी का नाम आए तो निखिल जी आ गए। निखिल कोई नहीं मैम, नेम के स्पेलिंग करेक्ट किए होंगे। वॉइस नहीं आ रही मेरे पास निखिल जी आपकी। मैम अभी आप सुन पा रहे हैं? थैंक हाँ जी, अब मैं सुन पा रही हूँ आपको। यू मैम। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं और काफी अच्छी वाइब्स हैं। थैंक यू सो मच। कैमरा कोई तो ऑन करना पड़ेगा, क्या हुआ कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? अब आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही निखिल। मैम, वो एक्चुअली प्रेस करके रखना पड़ रहा है तभी आ रही है, तो या तो मैं कैमरा मतलब ऑन कर सकता हूँ या स्पीकर। पहले तो ये बताएं निखिल जी, अपने नाम को इतना गंदी तरह से क्यों डिजाइन किया है? ये नाम चेंज करने के स्पेलिंग के बाद से आपकी लाइफ में कोई अच्छा चेंज आया है क्या? मैम अभी एक्चुअली मैंने प्रोफेशनली चेंज नहीं किया, मैं वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ। तो वैसे मेरा नाम है निखिल गुप्ता, नॉर्मल NIKHILGUPTA। तो वो मतलब मैंने कुछ न्यूमरोलॉजी क्लास अटेंड करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि मेरे को 5 पे लाना चाहिए, तो मैं उस तरह से, क्योंकि मेरा गोत्र गर्ग है, तो आई थॉट कि मैं इस पे ला सकता हूँ इससे। निखिल जी डबल आई, फिर क्या किया होगा नाम? परेशान हो जाओगे, इसकी वाइब्रेशन अगर ऐड होगी तो आपके आपके साथ। चलिए ओके मैम, मैं इसे यूज नहीं करूंगा फिर। थैंक आप यू डेट मैम। ऑफ बर्थ बोलिए। 28 मार्च 1989। 1989। नाइन आपका पूरा नाम है निखिल निखिल? गुप्ता, वैसे निखिल गुप्ता है, बट ये मैं ट्राई कर रहा था, बट आप देख लीजिए आपको जो सही लगता है। निखिल गुप्ता। यस मैम। निखिल जी इंटेलिजेंट तो आप बहुत हैं। सब थैंक यू मैम। चीजें, कोई लोन वगैरह चल रहा है या लोन लेने की सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मैं बताऊं अपनी प्रॉब्लम, मतलब जो तो मैं वैसे IT इंजीनियर हूं और मेरी जॉब भी ठीक ठाक चल रही है, बट इट्स लाइक कि वो काफी स्टेबल है काफी सालों से। तो मैं ऐसे ही मतलब जैसे थोड़ा ऑक्टल साइंस में इंटरेस्टेड था, तो मैंने अभी न्यूमरोलॉजी की, और जैसे वेबिनार हम देखते ना यूट्यूब पे, तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु से थोड़ा अट्रैक्ट हुआ। तो अब मेरे को ये पूछना है, क्योंकि कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, मतलब अगर आपको अच्छे से करना है तो मेरे को ये जानना था कि क्या मेरे को इनमें जाना चाहिए या नहीं। पहले ये बताएं आपके ऊपर कोई डेप्थ चल रहा है क्या? नहीं मैम अभी तक कोई नहीं चल रहा।
कुछ प्लान कर रहे हो लोन वगैरह, हाउस लोन या कुछ लेने का? नहीं नहीं मैम, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं अभी मतलब डेब्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा टू बाय एनी हाउस और ऐसा करके। ऑल्दो मेरे को करना है क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी हाउस नहीं, मैं पेरेंट्स वाले हाउस में, मतलब आपको पता है जैसे एक नॉर्मल फैमिली रहती है वैसे ही अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो अपनी तरफ से अभी तक मैंने कुछ बाय नहीं किया है ना, तो करना है बट अभी क्योंकि मेरे को डेप्थ अच्छा नहीं लगता, लोन लेना अच्छा नहीं लगता, तो मैं कुछ नहीं ले रहा ऐसा कुछ। जी बिल्कुल, आप अपने ऑफर की लाइन में जा सकते हैं, अगर आप जाओगे ओके तो आपको सक्सेस मिलेगी। ओके ओके मैम, आर्ट इज पॉजिटिव, नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी वैसे ही बहुत अच्छी है, और अगर आप सीरियस होके पढ़ोगे, अगर आप अपना ध्यान लगाओगे अपनी ऑफर की लाइन में, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। मैम क्योंकि ऐसा है ना, मतलब बहुत महंगे महंगे कोर्सेज ही होते हैं, मतलब अगर आपको ढंग से करना है, इट्स नॉट लाइक कि टाइम पास करना है, तब तो चलो छोटे मोटे डेमो क्लास मतलब ले ले सकते हैं, बट अगर ढंग से करना है तो फिर कई कई लाखों तक पहुंचते, तो इसीलिए मेरे को पूछना था कि मतलब इतना इन्वेस्ट करना सही भी है या नहीं। नहीं है, आपके लिए आगे भी सही रहेगा, कार्ड इज पॉजिटिव। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए फाइनली पिंकी आपका नंबर आ गया। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरे छोटे बेटे के बारे में पूछना था, हेल्थ के बारे में। मैम बहुत बीमार रह रहा है मैम, बहुत 2 महीने हो गया मैम कंटिन्यू बीमार हो रहे, बस हेल्थ की इशू स्थिति। ओके, आ 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2017 नाम बोलना उसको। सात्विक दास, सात्विक। ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ध्यान दो उसकी मतलब चीजों पे, बाकी तबीयत खराब है तो मुझे कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं दिख रही है। थोड़ा ओके मैम, सा ध्यान देने की जरूरत है उसकी हेल्थ पे, डाइट पे, डॉक्टर्स वगैरह पे, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक हो जाए। ओके, कुछ ऐसे मेजर कुछ नहीं है, 2-3 महीने से कंटिन्यू मैम, हर 7 डेज में, नहीं, सेवन डेज में आपको लग रहा है बहुत। ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके मैम, ओके, उतना ही पूछना था हेल्थ के बारे थोड़ा सा आप उसके ऊपर वैसे ध्यान दीजिए, डाइट वगैरह पे, डॉक्टर, थोड़ा सा में। वेदर चेंज हो रहा है, मे बी इस वजह से ऐसा हो, ठंडा गर्म कुछ ले रहा होगा, ओके मैम, हाँ थोड़ा टॉन्सिल का प्रॉब्लम है उसको। उसकी वजह से हो सकता है। एग्जाम कर, एग्जाम कैसा हुआ बड़े बेटे का? हाँ अच्छा गया, फर्स्ट पेपर बहुत खुश है, वो पानी वाला कर रहा है मैम, पानी पकड़ के सिप लेके, वो अपने स्टूडियो वाला वीडियो भी जो सेंड किए थे ना वो भी कर रहा है चक्र बना के, आप बोले तो सुन लिया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू राधा। रितु, रुजिता, क्या नाम लिखा हुआ है? मैम एक्चुअली मेरा रुजुता है, मैंने वो यू निकालने का सोच, वो 2 पे आता है तो नाम को इसलिए। ऐसे करते हो, पता है आपको कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है ये आपकी लाइफ में? पर मैम आखिर वो उसकी रुजुता से फील भी और तो वो देख के ना प्रॉब्लम। आप लोग कर तो लेते हो। देखो आज ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए सबकी अपनी अपने कार्मिक, अपने अपने चीजें हैं, आपको नहीं पता आपके लिए वो सही है या गलत। बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टडीज होती हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट। ठीक है, आई होप सो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। हाँ मैम, मतलब आपने बोला जैसे डीप में सीख के फिर चालू करो, ऐसे नहीं कि जस्ट करके चालू किया, शॉर्टकट नहीं टाइम सर। लगेगा। चलेगा मैम। तो अभी तो मैं जॉब चेंज, तो आपने लास्ट टाइम एक्चुअली मैंने जॉब चेंज का पूछा था, आपने बोला कि नहीं पहले तो आप नेगेटिविटी कम करो फिर कभी वो चीज नहीं आ रही, देखो। नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दी। ठीक है, अच्छा एनर्जीज ठीक है।
अच्छा चलेगा मैम, थैंक यू। विन्या, वन्या, वन्या नाम है आपका? वान्या, हेलो मैम, इट्स वान्या। ओके। राधे राधे बेटा, जय कैसे गुरु हो? जी, राधे राधे। एक्चुअली मैम बस देखिए एक चीज पूछनी है कि आप सबका ही बताएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ के छूट जाएंगे। मैं 1 घंटे का पूरा सेशन लूंगी, कोशिश करूंगी 9:30 बजे तक ले लूं, 15 मिनट एक्स्ट्रा वो कर लूं, उसमें जितनों के भी हो पाएंगे डेफिनेटली। देखो मेरी कोई पार्शियलिटी नहीं है, मेरे पास जो आते जा रहे हैं मैं सबका लेती जा रही हूँ, तो वो एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मतलब ट्राइंग किया तो मैं इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा। सभी इंटरेस्टेड हैं, अगर किसी ने भी टाइम निकाला है, बट ऑब्वियस सी बात, जिन्होंने भी टाइम निकाल के बैठे हैं सभी इंटरेस्टेड हैं, और सभी की कोई ना कोई क्वेरी होगी, तो मैं एक को छोड़ के किसी और को नहीं ले सकती, कोशिश होगी सबको लूँ, और जल्दी जल्दी ले लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बेटा अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। अच्छा मैम 18 जून 2006। नहीं, आप तो बहुत छोटे हो भी। हाँ, नाम बोलिए अपना। वान्या सिंह गहरवार। क्वेश्चन बोलो बेटा। मैम आई एम सो मच कंफ्यूज, लाइक राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो मेरे माइंड में बहुत चीजें चलती रहती हैं एंड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड सो इजीली, और मेरा यही रहता है कि मुझसे होगा नहीं होगा, मुझे क्विट करना चाहिए एंड मेनी थिंग्स, सो व्हाट शुड से आई बाहर डू? आ जाओ, डर रहे हो सिर्फ, कुछ नहीं होगा, चीजें सही रहेंगी, मत डरो। देखो कार्ड ही यही एनर्जीज का, आपने मुंह पे हाथ रखा हुआ है और आपकी एनर्जीज बोल रही है, सामने से जो चीजें आपको दिख रही है ना वो निकल जाएंगी, वैसा है नहीं, हिम्मत करो आगे बढ़ो। और इन चीजों को, आपको फोबिया है, आपको डर लग रहा है सिर्फ, लेकिन ऐसा है नहीं, अगर आपने हिम्मत कर ली और आपने अपने अंदर वो एक विलिंग पावर ले आए कि करना है तो करना है, जिस दिन वो ले आओगे ना उस दिन ये डर खत्म हो जाएगा, कि मैं ठीक है? फोबिया से बाहर आओ और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू। नहीं आता आपको पढ़ना तो आप इतना कीजिए कि यूट्यूब पे रोज सोने से पहले सुन लिया, ठीक ओके मैम, है? और करने के बाद मुझे बताना कि आपकी, आपको इतनी विलिंग पावर मिल रही है या नहीं मिल रही है। डेफिनेटली मिलेगी और बहुत अच्छा सा करोगे, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट थैंक बेटा, राधे यू राधे राधे। राधे बेटा, गॉड ब्लेस यू। देखिए यूनिवर्स ने निधि जी आप ही का नंबर ले आए, मेरे पास स्क्रीन पे आप ही का फेस दिख रहा था। माइक ऑन कर लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड राधे राधे मैम। प्लान कर रहे हो क्या, किसी चीज को कुछ सोच रहे हो, किसी चीज की प्लानिंग की हुई है आपने? ऐसा तो कुछ नहीं है मैम। मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताऊं? तो नहीं, कार्ड आपके साथ जैसे ही बोलना शुरू किया कार्ड अपने आप निकल आया, तो मेरे को लगा शायद आपके लिए कोई मैसेज। चलिए डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 16 अक्टूबर 1970। बर्थडे आने वाला है आपका, तो नाम हाँ जी मैम, निधि बोलिए अपना पूरा। निधि NIDHI है, लेकिन एक्चुअली मुझे किसी ने, न्यूरोलॉजर ने बोला था कि दोनों आई को रिप्लेस कर रहे हैं अगर ई से, तो क्योंकि मेरा केतु का बनता है कुछ है, तो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है 7, तो इसलिए आप आई को रिप्लेस करके ई लगा लीजिए तो बेटर रहेगा तो आपने लगा लिया, मैम। लगाया था, लेकिन अगर यहाँ पर अभी आपसे बात हुई तो लगा कि सबके साथ कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने हटा दिया फिर। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं चेंज हो सकता, ये तो जैसे ऐसे ही बस, ये फेसबुक वगैरह पर कुछ मैं चेंज कर दिया। जरूर अपने उस पर प्लेटफॉर्म पे ये कोर्स जरूर लॉन्च करूंगी, बहुत बड़ी साइंस है नेम नंबरोलॉजी। लोग सिर्फ एल्बियन से क्या करते हैं, नेम को देखते हैं कितने पे आ रहा है और आपका कितने पे डेट ऑफ बर्थ है, और कहते हैं चेंज कर लो, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे नाम के अंदर हम लक्ष्मी योग तक क्रिएट कर सकते हैं, हम हाँ अपने एक्चुअली ये डिजायर। उन्होंने बोला था, बट मतलब कह रहे थे कि हेल्थ, उन्होंने बोला मेरे को कि आपके हेल्थ इश्यू क्रिएट करेगा 7, अगर बहुत ज्यादा वो हो गया है तो, मतलब कहना चाहिए कि मतलब स्ट्रांग हो गया है 7 केतु जो आगे है। बात करेंगे उस पर भी, एक कोई सेशन लेके आएंगे बिल्कुल नेम के ऊपर भी, अभी तो देखते हैं आपके हेल्थ के लेके क्या गाइडेंस का।
हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे ना अभी इस समय रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, मतलब हस्बैंड के लिए नहीं कह रही हूँ लेकिन और भी रिलेशन में सब में इशू आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब निगेटिविटी ज्यादा हो रही है, और ये करीब 6 to 8 months से ज्यादा, मतलब मैं बहुत फील कर रही हूँ घर में, मतलब जिससे भी जो भी हो मेरे कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं वो सब मतलब मेरे लिए ज्यादा निगेटिव हो रहे हैं। क्या उसका रीजन आपका गुस्सा है? मैं ऐसा कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि अभी ऐसा कुछ बहुत अभी इमीडिएट कुछ आया है कि वो चेंज में, क्या कह नहीं सकती मैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अब पहले बातों को लेके आप रिएक्ट नहीं करते थे और आप इन दिनों में आपने चीजों को लेके लगी रिएक्ट वो, करने लगे, ऐसा हो सकता है ऐसा हो एक्चुअली। सकता है आपका कार्ड बता रहा हाँ है, ऐसा जानती हो सकता है कि मैं नहीं पहले होगा बहुत तो ज्यादा हर आपको चीज फर्स्ट को टाइम मिलेगा। मतलब छोड़ देती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैंने थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं स्टेप लेने लगी हूँ, तो मतलब निगेटिविटी और मतलब मेरे कहना चाहिए रिलेशन खराब हो रहे हैं लोगों से। तो क्या दिक्कत है, अगर आप जब तक चुप थे और सब कुछ चल रहा था तो सबने आपको एक्सेप्ट किया, अब अगर आपने अपने लिए कोई स्टेप लेना शुरू किया या यस को आपको लगा नहीं इसको यस नहीं नो बोलना है और आपने बोलना शुरू किया तो ठीक है, आपकी लाइफ से फिल्टर ही तो हो रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं रिलेशन जाना लेकिन इम्पोर्टेंट है बट तो फिर आप चुप रहिए। ये अगर लेकिन वो मतलब विलिंगली नहीं हो रहा ना कुछ भी, विलिंगली नहीं हो रहा, मतलब एक्चुअली ये जो मैं रिलेशनशिप इशू बता रही हूँ ये अपने अपने पर्सनल घर के रिलेशंस वगैरह में भी हो रहा है, मतलब लोग क्या कुछ निगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, पता नहीं क्या है कुछ, हालांकि नहीं भी बोल रही हूँ तब भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए अगर आपके अपने नेचर के अंदर कोई चेंजिंग आए हैं तो आप थोड़ा सा उस पर काम कीजिए, शायद लोगों को आप पुराने एटीट्यूड में ज्यादा पसंद थे। और अगर मैं आपके लिए रेमेडी बताऊं तो आपको रेमेडी ये करनी है कि अभी आपने कोई रिसेंटली घर वगैरह चेंज किया है क्या? नहीं मैम, मेरी डॉटर की मैरिज हुई थी उसके बाद से ज्यादा इश्यू क्रिएट हो रहे हैं एक्चुअली घर में। तो आप एक और काम कीजिएगा, एक चांदी के गिलास घर में हो अगर तो हाँ चांदी के जी गिलास में पानी रात को भर के रखिए और सुबह उस पानी को पीना शुरू कीजिए, अच्छा, ये करिए आप, फिर बताइए कि कैसा चल। ओके। तो मतलब ये हमेशा इसी को ही पीऊँ? हाँ जी हाँ जी, सुबह उठ के आप ये पानी पीना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कुछ हद तक ठीक हो जाए। ट्राई कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच दिलीप मैम। जी अगर मैं टैरो में आगे, मतलब टैरो में हो या न्यूमरोलॉजी में जो भी, जैसे इस तरह का प्रिडिक्शन वाला कुछ अगर आगे करती हूँ तो मतलब बेनिफिशियल होगा क्या इस लाइन में कुछ आगे बढ़ती हूँ तो? एक ही एक्चुअली क्वेश्चन वैसे बोला वैसे था दीपक मैं जी, आप एक क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया। एक्चुअल में ना जितने बैठे हैं सभी के सभी ने अच्छा, टाइम लिया है ठीक तो है उनके सबके ठीक है टाइम मैम, की ठीक है। बस इम्पोर्टेंस। मैं एक्चुअली मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मेरे को लगा कि इस लाइन में अगर मैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है प्रिडिक्शन वगैरह इस तरह की चीजों में, मतलब अपने लिए भी पूछने की क्यूरियसिटी है तो करना चाहिए कि नहीं दिलीप आगे? थैंक जी नमस्कार। दिलीप जी, दिलीप यू मैम, थैंक यू सो मच। जी आप अगर वो ऑन करेंगे तो मैं आपको सुन पाऊंगी। हेलो, हाँ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल दिलीप जी, अब आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग मैडम, आई इवनिंग एम मैम। डीवी चावल, माय डेट ऑफ बर्थ इज 26/3/1960, आई एम रिटायर्ड एट प्रेजेंट, सो हाउ डू यू सी माय फ्यूचर? आई एम डूइंग म्यूचुअल फंड बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली। हेल्थ का तो आप ध्यान रखते हैं, अपनी प्रॉपर यस मैडम, थैंक ध्यान रखते हैं आप अपने हेल्थ का, वो ध्यान रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो रखता हूँ ध्यान में, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आता है लेकिन इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है कुछ ऐसा।
कोई देखिए, आप जिस भी काम में, जिस भी म्यूचुअल फंड या किसी में भी, जिसमें भी आप प्रोफेशनली अभी कर रहे हैं काम, वहां पे कोई भी चीज को मतलब छुपा के, मतलब कोई भी चीज ऐसी मत कीजिएगा जिसमें लीगली किसी चीज में आप फंस जाए। अच्छा एडवाइस है आपके लिए कि इस उस पे मत कीजिएगा, कि क्योंकि कार्ड आपका, अगर प्रोफेशन की बात करें जिसमें भी आप काम करते हैं, वहां पे कोई भी लीगली कोई चीज ना तो आप करेंगे, ना ही कोई सिग्नेचर, ना इस तरह के कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। अगर आप अच्छा ऐसा ओके कुछ करेंगे तो आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, अदरवाइज ऑल गुड। हेल्थ की बात करें, रिलेशंस की बात करें, तो सब चीजें सही है, पर अपनी आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट करके कोई काम नहीं कर, दैट इज द मोस्ट अच्छा इम्पोर्टेंट। ओके किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ताकि आप बाबा को मानते हैं, बाबा आपके साथ हैं हमेशा, उनके वो आपके साथ रहते हैं, तो बाबा हमेशा। साईं बाबा की बात कर रहे हैं क्या? साईं बाबा, हाँ मैं साईं हाँ जी, बाबा का भक्त हूँ इसलिए सभी। बढ़िया है ना। तो बाबा आपके साथ हैं, और शायद ये मैसेज मेरे थ्रू आप तक पहुंचा है कि आप किसी पर ट्रस्ट ना करें, अपना दिन दिमाग सब कुछ खोल के तब कोई काम करें, खास करके लीगली किसी एक्टिविटी में नहीं फंसे। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। अरे प्रियंका, आपका नंबर आ गया, आज ये कैसे हो जय गई? गुरु जी मैम। चेक, प्रियंका का तो नंबर कभी आता ही नहीं। चलिए, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं आप लोगों को करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का ले लूंगी, 2 मिनट का टाइम लगे प्रियंका, उसके बाद मैं रीडिंग कर। हमारी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लॉन्च हो रही है नेक्स्ट वीक से, मतलब 1 अक्टूबर से, 1 एंड 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। उसके अंदर हम लोग मोबाइल प्रिडिक्शन सीखेंगे, क्योंकि आज की डेट में हर एक बंदा मोबाइल यूज करता है। अब मोबाइल के अंदर कौन से ऐसे नंबर्स होने चाहिए, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होने चाहिए जिससे हम अच्छा अपनी डिजायर्स फुलफिल कर सकते हैं, जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन है इस चीज के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं कि हम अपने नंबर, अपने बच्चों का नंबर, अपना नंबर, अपने हस्बैंड का नंबर, यहाँ तक कि नंबर हमें हमारे हेल्थ इश्यूज भी देता है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप इश्यू भी देता है, मनी ब्लॉकेजेस भी देता है। तो अगर हमें नंबर यूज करना ही है, तो क्यों ना हम ऐसा नंबर रखें, क्योंकि बिना मोबाइल के आजकल लाइफ नहीं है। हम अपना बैंकिंग तक उसी से करते हैं, हमारे बच्चों की स्टडी उसी से होती है। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत अच्छी एजुकेशन है। देखिए, मेरे से बहुत सारे रोज दिन में कितने सारे नंबर मैं डिजाइन करती हूँ, लेकिन मेरे किसी को भी, मेरे को क्या, किसी को भी आप पे करेंगे और अपना नंबर डिजाइन करेंगे, उतने में आप ये कोर्स सीख के अपनी फैमिली में सबके नंबर चेंज कर सकते, तो ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग सभी ये साइंस को सीखें। कमिंग नहीं, मतलब 1 अक्टूबर के से हमारा स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक नहीं स्टार्ट होगा, उसके बाद आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे ऑलमोस्ट तब तक, और इसका जो फीस रहेगा वो बहुत नॉर्मल रहेगा, 3, 2, 4, 5, ये हमारा इसका फीस रहेगा। तो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे पूरा आपको मिल जाएगा इसके अंदर, कल तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पीडीएफ वगैरह ऑल इन, मतलब सब कुछ प्रोवाइड होगा आपको उससे रिलेटेड। प्रियंका जी ने खुद ये कोर्स किया हुआ है, मेरे को नहीं पता था, लेकिन बाय चांस यही सामने आ गई, तो इनका अपना फीडबैक मोबाइल भी अगर देना चाहे प्रियंका, तो ये शी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और इन्होंने ये कोर्स किया है। तो प्रियंका, कुछ बताना चाहोगे कैसा रहा, आपको लगा कि मनी वेस्ट था या कुछ ऐसा कुछ? मनी वेस्ट नहीं था, मैंने खुद अपना नंबर चेंज करवाया, क्लास ली पूरा। नंबर चेंज करना भी मेरे लिए काफी बेनिफिट रहा उससे। बिल्कुल तो मतलब आप ये कहते हो कि हाँ, ये साइंस सबको सीखनी चाहिए, घर में एक जने को तो सीखनी चाहिए, ताकि आप अपने एक को आई तो वो अपनी पूरी फैमिली मेंबर के लिए जिक्र, तो आगे कब तक कुछ चांस है बिजनेस स्टार्ट करने का? पहले तो ये देखें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही समय है भी। अभी नहीं जी, बिल्कुल भी सही समय नहीं है, एनर्जीज बिल्कुल सही नहीं है, इनसे बोलिए जी ड्राइव करते टाइम अपना ध्यान रखें, और मतलब कुछ भी चीजें मुझे सही नहीं लग रही प्रियंका, पर्सनली एक बार आप मेरे से बात कर लेना फोन पे, तो मैं आपको रेमेडी जी बताऊंगी। कार्ड दोनों अच्छे नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती कभी भी, कोई चीज अगर खुल के सामने आई है मेरे, तो
इट मींस कि आपको कोई ना कोई यूनिवर्स हेल्प करना चाह रहा है, तो शायद तभी आपके पास आई है। तो आप मेरे से एक बार पर्सनल बात, जी बिल्कुल मैम, रेमेडी जी वगैरह बताऊंगी, वो रेमेडी आप कर। जय जी थैंक गुरु जी। यू, जय गुरु जी। रुचि, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। रुचि जी मैम सुन, मुझे अपनी ना बेटी के लिए पूछना है, उसकी है ना जनवरी से अब जॉब छुट्टी हुई है, हाँ आप उसका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 13/12/86। आपके सामने है क्या आपकी डॉटर हाँ अभी? जी हाँ जी हाँ जी अपने पास बुलाइए। हम, ये फिर बुला लिया मैंने उसको मैम अपने पास। नाम बोलो बेटा अपना। इशिता, इशिता, इशिता अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। 13 दिसंबर 1986। लो अपने पास ले लो। जॉब छुट्टी है आपकी, और क्या जानना चाहते हो बेटा ये बताओ। जॉब कब लगेगी? कि मेरी जॉब कब लगेगी, कब तक लग जाएगी? ट्राई कर रहे हो? हाँ जी अगले 2-3 महीने में जॉब मिल जाए। ट्राई करो, अपने एफर्ट्स डालो, थोड़ा सा मौज मस्ती के मोड से बाहर आओ, सीरियस होके जॉब की तरफ ध्यान दो, अपने रिज्यूम्स वगैरह भेजने शुरू करो। जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो भी आप करना चाहते हो वो आप जी। करो, डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। सूर्य को जल चढ़ाना, ठीक अच्छा जी है? डेली सूर्य को पानी लो, लोटे में थोड़ा सा उसमें चीनी डाले या फिर शक्कर डाले, जो देसी खांड होती है ना वो वाली हाँ शक्कर जी थोड़ा सा मिला के उसके बाद सूर्य को जल दो। हो सके तो आप सूर्य की मतलब सूर्य नमः का पाठ करते हुए आप उसको दो, जल्दी से जल्दी लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी। दो बेटा अच्छा जी मैम, और शादी कब तक हो एक जाएगी? क्वेश्चन, बहुत सारे हैं सभी के क्वेश्चंस। अच्छा नेक्स्ट टाइम, ओके ओके नेक्स्ट टाइम मैम, मैम, थैंक यू नेक्स्ट टाइम कब होगा ना वेबिनार आपका, जी। नेक्स्ट टाइम। डाउन कर लीजिए मनीषा जायसवाल। जी मैम, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी सब मम्मियों को अपने बच्चे के बारे में ही पूछना होता है, अपने लिए नहीं, नहीं। डेट बेटे के बारे में पूछना। ऑफ बर्थ बोलिए उनका। 22 अगस्त 2006, प्रांजल सिंह। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, मतलब वो आगे पढ़ेगा कि ऐसे बदमाशी करेगा? सब मम्मी का यही होता है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। नहीं मेरा कोई सर्विस लाइन जाएगा कि मतलब ऐसे ही बिजनेस कुछ करेगा? देखिए अभी फिलहाल मस्ती मोड में चल रहा है वो, अभी उसे चीजों की जी वैल्यू नहीं पता है। कि क्या एज बताई आपने जी उसकी? 18 साल का है, 22 अगस्त 2006। अभी तो मस्ती में है, शायद घर में बहुत सारा कुछ है इसलिए कोई चिंता फिक्र नहीं है उसे, बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा वो, टू बी ऑनेस्ट। हाँ बिल्कुल नहीं, और यही एज है लेकिन उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि बिल्कुल फिक्र पढ़ाई नहीं है, करें। इसके लिए आप रेमेडीज कराइए। लेकिन रेमेडीज मैं इस सेशन में नहीं बताऊंगी आपको, आप पर्सनली कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा उसके लिए। बाकी हाँ आप बिल्कुल सही हैं, वो मौज मस्ती के मोड में हैं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है चीजों को लेके, तो ये प्रॉब्लम तो जी वो खुद जब तक एफर्ट नहीं करेगा तो किसी के करने से बिना होगा नहीं। पढ़े तो कुछ होगा नहीं, पढ़ता ही नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। नहीं मस्ती में मतलब उसका दिमाग ही नहीं है, मस्ती मौज मस्ती में। मस्ती मूड में खाली। मनीषा, मनीषा हो गया। प्लीज वो अपने हैंड डाउन कर लीजिए जिनके भी क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हैंड डाउन कर लीजिएगा जिनके भी क्वेश्चन हो गए हैं। वैशाली, वैशाली जी फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा आपने? हाँ ये फ्री प्रोडक्शन वाला मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, वो मोबाइल वास्तु वाले में थी मैं। डेट ऑफ बर्थ बोलिए आप अपनी।
मेरा 13 अक्टूबर 1987। अच्छा तुम एक बार फिर से बोलिएगा बेटा, 13 अक्टूबर 1987। बर्थडे आ रहा है आपका। हाँ सवाल पूछ। मैम, मुझे हेल्थ इश्यू बहुत रहता है अभी से, लास्ट टू ऑलमोस्ट 2 ईयर होने आए। बेटा आपके उस पे ना मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, मुझे लग रहा था आपका यही सवाल होगा, हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे होंगे क्योंकि कार्ड ही यही दिखा रहा है। आप किसी पुराने कोई आपके घर घर में कोई कुल देवी मंदिर वगैरह कुछ था, कहीं जाना आना होता था क्या घर से? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप लोग पहले जाते आते मंदिर हैं? फूल देवी का तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहां। मंदिर तो बस बस बेसमको बस तो में है जो आपने छोड़ा है। आपके पितरों का कोई कोई मंदिर जहां पे आपके मतलब इन लॉस वगैरह का जाना आना होता हो, जो कि वो जो भी स्कूल जी होगा उसको उल्टा ही होगा, अगर जॉब की जॉब कर रहा होगा तो भी प्रॉब्लम आए। जी जी ठीक है मैम। ठीक है, आप उसे रेमेडी तो कराओ, मुझे पता है आपके भाई ने ये रेमेडी भी नहीं करनी है। आप उसे बोल दोगे जी तो मैम। करेगा कुछ नहीं, अच्छा उसमें आप नहीं कुछ कर सकते ना, उसका कार्मिक है, उसे ही भुगतना है वो अपना कार्मिक। ठीक जी, ठीक है मैम, ठीक है जी, पहले तो मैं आईफोन कहाँ है है। वो बच्ची ने बहुत टाइम से ज्वाइन किया हुआ था और मैं उसका क्वेश्चन ये आ गया, आपने ज्वाइन किया था नमस्ते मैम। हम गया आईफोन। हाँ जी बताएं, आईफोन अपना नाम बताएं। रश्मि आचार्य। रश्मि आचार्य, पहली बार ज्वाइन किया आपने, हाँ पूछना था। पढ़ाई करते हो? करते नहीं करते। सीरियस हैं। नहीं वाली पढ़ाई करते हो? नहीं सीरियस नहीं, मन नहीं लगता है उतना। चलो मतलब आई अप्रिशिएट टू यू कि आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं तो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा आगे क्या करना करना है ये बताएं, आप क्या सोच रहे हैं? आपकी सीरियस हुआ या तो घर की तरफ से सब कुछ मिला हुआ है तो इसलिए सोचते हो ठीक है कुछ नहीं तो बिजनेस तो है ही है, पैसा तो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता, तो सीरियस हो उस जी चीज मैम, और क्या किस लाइन में जाना चाह रहे हो, कोई ऑप्शन दो। बिजनेस और पापा का किस चीज का बिजनेस? पापा का बिजनेस नहीं है, जैसे पापा की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हाँ बिजनेस ही तो हुआ। एक टाइप से। पापा के काम में के पर ध्यान दो तो शायद चीजें सही हो जाएंगी, बाकी तो पढ़ाई में और तो ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा। सिविल मैम सिविल सर्विसेज। सर्विसेज? नहीं, क्रैक ही नहीं कर पाऊंगी। पढ़ोगे पढ़ेंगे तब भी नहीं। तो सब कुछ कर लोगे, फिर उसकी रीडिंग आज की आपकी एनर्जीज कह रही है, ये अभी तो पढ़ाई नहीं कर रहे ना तो इसलिए आज की एनर्जीज ये बोल रही है कि पढ़ोगे नहीं तो कैसे क्रैक कर लोगे, एग्जाम ही नहीं क्रैक होगा, पढ़ोगे तो डेफिनेटली हर चीज होगी। ठीक मैम, राधे चलिए गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। हेलो राधे। मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आभा सिंह बोल रही हूँ। ही इज आभा माई सन, ओजस सिंह। मैंने उसको बस इसीलिए ज्वाइन कराया कि वो अपने मुंह से, अपने कान से सुने कि वो पढ़ाई में सीरियस नहीं है। बहुत ऑनेस्ट नहीं, उसने वो एक्सेप्ट भी किया। है, बहुत ऑनेस्ट और बहुत क्लियर है अपनी चीजों के लिए, लेकिन बहुत कंफ्यूज है अपनी स्टडीज को लेके, मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा एक बार तुम ज्वाइन करो, इसलिए मैंने उसको शेयर किया कि तुम, एक जबरदस्ती मैंने आज उसको ज्वाइन कराया कि तुम खुद से सुनो इस चीज को।
थैंक यू सो मच उसको क्लियर करने के लिए, थैंक यू सो मैं मच। तो ऑनेस्टली जो भी होता है सीरियसली बता देती हूँ, नहीं ताकि मैम मुझसे इसी इतना को ज्यादा लगा कि वो खुद भी बताए उसे कि वो कहाँ क्या मिस्टेक कर रहा जी, थैंक यू सो मच। है। नीलम, यस नीलम जी, जय गुरु जी, चलिए जय गुरु जी। बस बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने अपने पति के बारे में पूछना है, उनके हेल्थ के बारे में पूछना पति के बारे में डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट है। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। नहीं पता तो कैसे हो? चलिए नाम बोलिए, पूरा सुनील, नाम बोलो। सुनील कुमार। अभी घर पे हैं क्या? उनकी एनर्जी से नहीं कार्ड जी। नहीं कनेक्ट हो रहे, कार्ड हाँ जी कनेक्ट नहीं। नहीं कनेक्ट हो नीलम, उनकी एनर्जी के साथ कार्ड्स कनेक्ट नहीं हो रहे। आप अपने लिए कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, उनकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो। अच्छा, तो कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ मेरे बारे में बता दीजिए। लो, तो बस बोलो। 18 जुलाई 1988। क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चों बच्चों के बारे में ही बता दीजिए। के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी, आपके लिए बता रही हूँ। अपने आप को किसी चीज को लेके कुछ चीज चल रही है क्या माइंड में? अभी ऐसा सा क्यों लग रहा है? कुछ चल रहा है क्या माइंड में? क्या चल रहा है? चल रहा है कि सेकेंड बेबी करूं कि नहीं करूं। कर लो, कर सकते हो। कार्ड अभी कंफ्यूजन का ही चल रहा है, लेकिन फिर भी एक बार कार्ड की गाइडेंस और निकाल लेते हैं। देखो गाइडेंस में तो ना निकला है अभी। नो नहीं, माइंड भी नो ही बोल रहा था। नो। लेकिन ये एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम एक कार्ड और सबकी वाइब्रेशन के साथ नहीं ले सकते। तो कभी आप पर्सनली रीडिंग जरूर कराना, तब हम इस क्वेश्चन को जरूर लेंगे। अभी बहुत बहुत सारी एनर्जीज है ना, तो एक्यूरेट आंसर नहीं निकल। ओके मैम, सही है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मनदीप का ले लेते, नहीं तो नाराज हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत श्रीकाल मैम, क्या हाल चाल है तो गायब ही हो गई हो, कहाँ हो तुम आजकल? अच्छा मैम? मैं ना लास्ट टाइम वेबिनार में मैं आ नहीं पाई थी, मैं कहीं चली गई। अभी आज मेरे को जैसे ही पता चला आपका वेबिनार है, वो फटाफट मैं घर आई। मेरे को तो वेबिनार अटेंड करना है भाई। मैम हस्बैंड के बारे में पूछना है। मैम बेटो बस बोलो, उनके लिए तो तुम खुद कार्ड निकालो, मैं नहीं निकालूंगी। बेटो आप बस बोलो, 18 अप्रैल 1983, यादविंदर सिंह। हो गया कार्ड्स को भी कनेक्ट हो रहे, भारी हो गई है। कार्ड्स अब रीडिंग नहीं हो पाएगी, कार्ड्स नहीं चल, क्या मैं करूं? निकालो, निकालूं फिर उनको किसने मना किया? मैं तो बोल ही रही निकालो। मैम? आपका मुझे बेस्ट लगता है, हम बच्चे हैं आपके। ट्राई करो, एनर्जीज नहीं कनेक्ट। आप अपने बारे में क्वेश्चन पूछो तो शायद कनेक्ट हो जाए, हस्बैंड के लिए नहीं कनेक्ट। क्या आप वंदीप काम कौर। करते हो? ना नाम बोलो, वंदीप डेट ऑफ बर्थ। वंदीप कौर, 25 अगस्त 1987। देखो तुम्हारी एनर्जी से कनेक्ट हो, क्वेश्चन क्या पूछो, कह रहा है क्वेश्चन मेरे पूछो। अंदर? मैम घर अभी स्टार्ट करना चाहती हूँ, हो जाएगा नेक्स्ट अक्टूबर में? फिर क्या स्टार्ट करना चाहते? का काम स्टार्ट करवाना चाहती हूँ।
हाँ हो जाए। फाइनेंशियली और मैम फाइनेंशियली ठीक रहेगा मेरा? एक क्वेश्चन कहा था, एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है काम शुरू हो जाएगा। लास्ट चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. वैसे यादविंदर का था मैम, जरूरी मुझे उसकी हेल्थ का था पूछना. हाँ मानसी जी. मानसी हाँ स्टडी क्या क्वेश्चन क्वेश्चन है? नहीं है, आप बता दो मैम. बस जॉब भी करती हूँ, स्टडी भी कर रही हूँ. बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसे ध्यान से समझ के ग्रैब करना, बच्चों जैसे ही या बचकाना कोई काम मत करना, अनमेच्योरिटी मत दिखाना, और अनमेच्योरिटी इन द सेंस मतलब ऐसा ना हो कि वो आए और चली जाए और आप उस टाइम को सही तरह से यूटिलाइज ना कर, ठीक है? तो ध्यान रखना है इस चीज को कि कमिंग कुछ टाइम के अंदर आपके पास कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने, हो सकता हो अभी आपके पास हो भी तो उस पे काम, दो लाइक स्टडी के रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड मैम? मेरे चीजें को हो ये सकती है, आई डोंट नो, मतलब गाइडेंस में यही निकला है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं तो जस्ट आस्क फॉर द गाइडेंस, तो गाइडेंस में ये है, हो सकता है अभी आपके पास हो भी और नहीं है तो आने, तो टेक इट सीरियस। थैंक यू मैम, चलिए बहुत आगे, अच्छी थैंक अपॉर्चुनिटी ना. यू सो मच। चलिए अभी मैं आगे क्वेश्चन नहीं, जो फ्री सेशन का मैम वो नेक्स्ट मंथ ही आएगा, मैं मंथ में एक फ्री सेशन लेती हूँ और अब जो भी सेशन होगा वो नेक्स्ट मंथ में होगा। हाँ पेड अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसमें आप रीडिंग ले सकते हैं, बट फ्री सेशन अब नेक्स्ट उसमें आएगा। और जो मैंने आपको कोर्स बताया है वो कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज पे पूछ सकते हैं। माई नंबर इज 9953 6। मैम, ग्रुप में करना है मुझे. हाँ जी, कोई तो कुछ बोल रहा था, मैम ग्रुप में है क्या? ग्रुप में करना है मैसेज? नहीं आप मेरे को पर्सनली भी कर सकते हैं, माई नंबर इज डबल, वैसे आपको ग्रुप से नंबर मिल जाएगा, उसके अंदर आप दीप्ति के नाम से लिखेंगे तो मिल जाएगा नंबर, और नंबर अगर नोट करना चाहें तो 9953 6 55 107 ये मेरा नंबर है, आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको पूरी वेट नोट, वेट मैम, एक बार फिर से बोलिए नंबर. 9 जी 9953 6 55 107। जी जी थैंक यू मैम. गॉड ब्लेस यू। चलिए अभी सेशन को हम ओवर करते हैं, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम दिया। सुगंधा आपसे बात नहीं हुई, एक बार अनम्यूट करो, आपसे बात ना करूं ऐसा कैसे हो सकता है? हाय मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, कैसे हो? कैसे हो आप मैम? बस ऑलवेज आपका ब्लेसिंग ही मैम. हमेशा खुश रहो, और जैसे ही मैंने एक स्माइलिंग ओके, फेस देखा मैंने कहा ओ ये तो मेरी बच्ची है। गॉड थैंक्स मैम, थैंक यू, थैंक ब्लेस यू। यू, ऑलवेज मैम, थैंक ओके जी। यू, थैंक यू मैम. मैम